एक ये जो सेंसर आप देख रहे हैं ये वाला, जिसके साथ ये अभी वायर गई हुई है ये, और एक नीचे, ये नीचे जिस पे मेरी उंगली जा रही है ये, हाँ सेम, ये दोनों सेंसर का बहुत बड़ा रोल है, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन सेंसर की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस नई वीडियो पे। दोस्तों, 1980 के बाद जितनी भी गाड़ियाँ बनी हैं उसमें आपको ऑक्सीजन सेंसर ज़रूर मिलेगा। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, आपकी गाड़ी के ECU को इनपुट देना, जिससे कि वो आपकी गाड़ी के इंजन को एक एफिशिएंट तरीके से और लो एमिशन के साथ चला सकें, कम से कम प्रदूषण करे वो इंजन और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्यूल एफिशिएंसी दे। इंजन के अंदर फ्यूल अच्छी तरीके से बर्न तभी होगा जब उसका मिक्सर प्रॉपर वे में होगा। अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो पेट्रोल और एयर का मिक्सर होता है 14.7:1, 14.7 पार्ट होता है वो एयर का होता है और 1 पार्ट जो होता है वो होता है फ्यूल का, यानी कि पेट्रोल का। अगर इस रेशियो में इंजन के अंदर जाए तो पूरा कंप्लीट बर्न हो जाएगा वो। आपको मैंने दिखाया था गाड़ी में कि दो ऑक्सीजन सेंसर होते हैं, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। अभी हम बात करते हैं प्राइमरी सेंसर की। प्राइमरी सेंसर जो है कैटलिक कन्वर्टर से पहले लगा हुआ होता है, यानी कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के जस्ट बाद में। अब जैसे ही गाड़ी के अंदर फ्यूल बर्न होकर बाहर आता है तो ऑक्सीजन सेंसर डिटेक्ट कर लेता है उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है, जो गैस होती है, जो एग्जॉस्ट गैस होती है उसके अंदर क्वांटिटी कितनी है ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन सेंसर ज़्यादा ऑक्सीजन डिटेक्ट करता है तो इसका मतलब आपके इंजन के अंदर जो मिक्सचर गया था वो लीन मिक्सचर था। लीन मिक्सचर में एयर का पार्ट ज़्यादा होगा और फ्यूल का कम होगा। और अगर आपका ऑक्सीजन सेंसर ये डिटेक्ट करता है कि आपकी एग्जॉस्ट गैस में ऑक्सीजन कम है, इसका मतलब रिच मिक्सचर इंजन के अंदर जा रहा है। रिच मिक्सचर मतलब पेट्रोल का पार्ट ज़्यादा, एयर का कम। और ये सेंसर सीधे ECU को इनपुट देता है। ECU अपने हिसाब से जो इंजेक्टर है उसकी पल्सेस को कम कर देता है, ज़्यादा कर देता है। अगर वहाँ पर लीन मिक्सचर होगा तो वहाँ पर इंजेक्टर की पल्सेस को ज़्यादा कर देगा, जिससे ज़्यादा अमाउंट में फ्यूल इंजन के अंदर जाएगा। अगर रिच मिक्सचर होगा तो इंजेक्टर की पल्सेस को कम कर देगा, जिससे कि कम फ्यूल वहाँ पर जाएगा। और ये एयर फ्यूल के मिक्सचर को बराबर करने की कोशिश करता है हमेशा, और करता भी है। अब दोस्तों बात करते हैं काम कैसे करता है। ये अपनी एक खुद की वोल्टेज जनरेट करता है ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आने से। अगर कम ऑक्सीजन होगी या फिर रिच मिक्सचर होगा तो ये सबसे कम वोल्टेज जनरेट करता है 0.1 वोल्ट, और ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज जनरेट करेगा 0.9 वोल्ट। और जब एयर फ्यूल का मिक्सचर बराबर होता है, यानी कि 14.7:1 होता है, तब ये वोल्टेज जनरेट करता है 0.45। अगर इसकी वोल्टेज इंक्रीज होते रह रही है 0.45 से, इसका मतलब आपके इंजन के अंदर मिक्सचर रिच होते रह रहा है, तो ये फीडबैक ECU ले लेता है और आपके मिक्सचर को लीन कर देता है, आपके इंजेक्टर की पल्सेस को कम कर देता है। तो ऐसी ये सिस्टम काम करता है, इसको बोलते हैं क्लोज लूप सिस्टम। मतलब ऑक्सीजन सेंसर से फीडबैक लेके ECU फ्यूल की सप्लाई इंजन को दे रहा है। तो अभी हम बात कर रहे थे उस सेंसर की जो कि कैटलिक कन्वर्टर के पहले लगा हुआ है। अभी हम बात करेंगे सेकेंडरी ऑक्सीजन सेंसर की, जो कैटलिक कन्वर्टर के बाद लगा होता है। तो कैटलिक कन्वर्टर क्या है, उसकी आप वीडियो देखना चाहते हैं, उस विषय में जानना चाहते हैं, तो ये पोल दिया हुआ है उस पर यस और नो कर दीजिए बस। और मैं सरल सरल शब्दों में ये बता दूं कि जो कैटलिक कन्वर्टर है, जो आपकी हार्मफुल गैसेस होती है उनको नॉन हार्मफुल बना के बाहर भेजता है, कम हार्मफुल बना के बाहर भेजता है। और जो सेकेंडरी ऑक्सीजन सेंसर होता है वो कैटलिक कन्वर्टर की एफिशिएंसी को मॉनिटर करता है कि कैटलिक कन्वर्टर उन हार्मफुल गैसेस को कम हार्मफुल गैसेस में तब्दील कर पा रहा है या नहीं। अगर जो सेम रीडिंग पहला वाला ऑक्सीजन सेंसर देगा और सेम रीडिंग एग्जॉस्ट गैसेस की वो सेकेंडरी देगा, तो इसका मतलब आपका कैटलिक कन्वर्टर काम नहीं कर रहा है। जो दूसरे वाला जो सेकेंडरी ऑक्सीजन सेंसर है सिर्फ और सिर्फ कैटलिक कन्वर्टर की एफिशिएंसी के लिए। और एक और बात मैं आपको बता दूं, इसको सही तरीके से काम करने के लिए, ऑक्सीजन सेंसर को काम करने के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि लगभग 600 डिग्री सेल्सियस होता है। आप गाड़ी को सुबह कोल्ड स्टार्ट करते हैं तब ये ऑक्सीजन सेंसर बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता है, आपकी गाड़ी के अंदर रिच मिक्सर जा रहा होता है फ्यूल का। और दूसरी कंडीशन ये है कि जब आपका इंजन लोड में होगा, आपके इंजन में लोड होगा, तब ये सिस्टम ओपन लूप सिस्टम में चला जाएगा। तब क्लोज लूप सिस्टम मतलब कि ऑक्सीजन सेंसर की जो रीडिंग है, इनपुट है, उसको ECU कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि आपके इंजन पर लोड है तो आपको फ्यूल की अमाउंट ज़्यादा ही चाहिए। अब बात आती है ये ख़राब हो जाए तो क्या होगा। अगर ये ख़राब हो जाए तो आपका जो सिस्टम है वो ओपन लूप सिस्टम में चला जाएगा। इस
का इनपुट जो है ईसीयू को मिलना बंद हो जाएगा, इसके सिग्नल जो है ईसीयू को मिलने बंद हो जाएंगे, तो क्या होगा, ईसीयू जो है वो रिच मिक्सचर देगा, जो उसका प्री डिसाइडेड था, डिसाइडेड जो उसमें मिक्सचर जाने का होता है वो इंजन के अंदर देगा, जो कि रिच होता है, जिससे कि आपका माइलेज ड्रॉप हो जाएगा, और दूसरा पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, एमिशन ज़्यादा क्रिएट होंगे, और तीसरी चीज़ जो है वो है आपका कैटलिक कन्वर्टर डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, या फिर वो जल्दी डैमेज होगा। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो ऑक्सीजन सेंसर है ये OBD2 का पार्ट है, अगर आपका ऑक्सीजन सेंसर का सिग्नल मिलना बंद हो गया या फिर ये सेंसर ख़राब हो गया तो आपकी गाड़ी की चेक इंजन लाइट जल जाएगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा और एक फॉल्ट कोड क्रिएट हो जाएगा, और आप उसे OBD स्कैनर से स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि एमिशन कंट्रोल सिस्टम का कौन सा पार्ट ख़राब हुआ है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब इसके ना तो सिग्नल जाते हैं ना तो ये ख़राब होता है, ये सही कंडीशन में होता है लेकिन इसके ऊपर जो टिप होती है वो कंटामिनेटेड हो जाती है, उसके ऊपर कार्बन जम जाता है, या फिर कहने का मतलब है गंदगी जम जाती है, तो ये प्रॉपर वोल्टेज जनरेट नहीं कर पाता, ये डिटेक्ट नहीं कर पाता ऑक्सीजन का अमाउंट, और फॉल्स सिग्नल भेजता है, ईसीयू को प्रॉपरली सिग्नल नहीं दे पाता है, इससे एज अ रिजल्ट आपकी जो है गाड़ी का माइलेज ड्रॉप हो जाता है, और तभी कहते हैं कि 1.5-2 लाख किलोमीटर के आसपास इसको क्लीन करवा लेना चाहिए या फिर चेंज करवा लेना चाहिए। तो दोस्तों ये थी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑक्सीजन सेंसर के बारे में, प्राइमरी ऑक्सीजन सेंसर और सेकेंडरी ऑक्सीजन सेंसर, जो कि एमिशन कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है, OBD2 का पार्ट है। अगर आप इसमें भी एमिशन कंट्रोल सिस्टम के ऊपर भी वीडियो चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर भी वीडियो चाहते हैं, तो यहाँ पर पोल दिया हुआ है, वहाँ पर यस और नो कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, ऑक्सीजन सेंसर जो कि बहुत रेयर लोग जानते हैं इसके बारे में, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसका रोल क्या है। लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो और ऐसे कौन कौन से टॉपिक आपको चाहिए इंजन और गाड़ी के मैकेनिज्म से रिलेटेड। मुझे बड़ी खुशी होगी आप कमेंट में अपनी इच्छा जाहिर करेंगे तो, और एक एक करके मैं वो सारे टॉपिक लूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिलहाल इजाज़त लेना चाहूँगा आपसे और मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।